राम राम जी सारे ने। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और हम भी ठीक है। तो भाई आज मेरे पति को गए हुए 5 दिन हो गए हैं, अभी तक उनका ना कोई फोन आया है ना कुछ। और घर में सारे इतने परेशान हैं कि मतलब क्या बताएं, ना तो कोई बोल रहा है किसी के साथ, बस अपने चुपचाप बैठे हुए हैं। मैं बोल रही हूँ दादी सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, वो आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो दादी, टेंशन नहीं लो आप। अगर आप ऐसे रहते हो ना तो हमारा मन भी दुखी होता है। देवी माई मेहरबानी आए करेगी, मारी तो परीक्षा ले रही है। तो भाई घर में सारे परेशान है, मेरी दादी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और गाइज आप लोग का सपोर्ट चाहिए, बस आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते ना थोड़ा दिल खुश हो जाता है। और आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करिए और वीडियो को प्लीज़ एक बार शेयर करना ताकि मेरे पति का जल्दी जल्दी पता चल सके। और कोशिश करते हम ब्लॉग बनाने की कि हम वैसे ही ब्लॉग बनाएँ जैसे हम पहले बनाते थे। और माता रानी से बस यही दुआ है कि मेरे पति को जल्दी से जल्दी घर भेज दो। भाई तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और क्या बोलते बुखार सा हो गया आज मेरे को। और मम्मी बोली थोड़ी थोड़ी चाय बना दे, कोई घर में आ रहा है तो थोड़ी सी चाय बना देते हैं। तब तक चाय बनती है दूध। दादी लो चाय। आराम से करम देखे हाँ कहीं जल ना जाए। दूध पिला दूं मैं इसको चम्मच के साथ। कनिष्का जा बेटा चाय पीनी है, कट नट नहीं है बेटा फोन। तो भाई कनिष्क भी स्कूल से आ गया और जदका रहे हैं, रोने लग रहे हैं फोन फोन। और पापा दे दो बेटा फोन, नेट नहीं है इसमें। मेरा फोन दे दे। मेरी बात सुनते नहीं आप? हाँ लाओ मैं नया फोन लाऊ, मैं पानी की बोतल लाऊ भर के। तो ठीक है, बर्तन धो लिए हैं और इनको साइड में रख देते। आज तो तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो रही थी क्या ही बताया आपको। दादी पता नहीं कहाँ गई होगी, शायद पर मैं चाचे के घर गई होगी। मेरी दादी की तो बेचारी की इतनी तबीयत खराब हो रही है ना, रोती रहती है सारा दिन। और मेरी मम्मी की भी तबीयत खराब हो रही है, वही मम्मी भी बैठी है रहा मिलता है दुआ। शाम का टाइम हो गया है और दादी को और मैंने चाय के बना दे दी थी, मैं भी बैठी हूँ। दादी मेरी चाचे के घर जा रही है, मेरी दादी तो सारा दिन परेशान हुई रहा है। अगर घर में रहा तो बिल्कुल रोंदी रहा है सारा दिन। तो मैंने क्या थोड़ी सी भी चाची और खानी, थोड़ा मन और डाल सा हो जाएगा मेरी दादी का। और मेरी मम्मी बैठी हो रही है, भाई बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है, ऐसे अजीब सा फील हो रहा है, लग रहा है पता नहीं कितने साल हो गए उनको गए हुए। ये नहीं लग रहा इस तरह हो रहा है, जिस तरह कई बार ना स्कूल में जाती इस तरह हो रहा है, कई बार कितने दिन हो गए घर में मन नहीं लग रहा। तो गाइस छोटे बेबी को नहला देते हैं, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो आज नहला देती हूँ मैं उसको। थोड़े गर्म से कपड़े निकाल दूँ, उसकी तबीयत ठीक है। मैंने तो अभी तक सर्दी के कपड़े भी नहीं रखे उनके बच्चों के। सर्दी नहीं है। हाँ नहीं है मम्मी। आपके बेटे हैं? हाँ। ये भाई की है मम्मी, नहीं है आपकी? नहीं है बेटा। मैंने ना दादी मैं ना ला दू तब तक दीपू को, आप यहीं बैठे रहो। अरे गर्म पानी देख कर थोड़ा करिए मढ़ाए रे दे, गर्मी लड़ा देगा के करा इसे जगह मडा दिन चाहता है बाल बेटा की। हां सो जगह सोया ही नहीं सारा सर्द नहीं भी नहीं है जाकर नींद भी नहीं आई यार पेट में गर्मी में। दादी बेटा आप नहीं ला इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो गर्म कपड़े पहनाने पड़ते हैं। मनसी लाग गई इसने तो कितने पीछे लाग गई है। सर्द नहीं
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਰਦਾ ਇਸਕੋ ਦੇਖ ਦੇਖਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਈ ਹੋ ਜਾਏ बच्चों के बाहर जीना पड़ता है भी इनकी टहल टहल करनी पड़ेगी बुरा हाल बने छोरा का कितना खांसी तस्की लग भी नहीं गई जिनको खांसी क्या हो रहा क्या नहीं खांसी तस्की भी हो रही है बेटा प्लीज मम्मा को कनू बेटा ढाल तक मैं सर में दर्द बर्बाद ना करो इतने मड़े चाने गुन्नू रुआ पड़ेगा भाई रुआ बना इसने मड़ा हाँ ठीक खेल लियो मैं बेटा भैया को ना ला दूँ बर्बाद नहीं करो ये ला बिट्टू पानी की बाल्टी थोड़ा सा पानी रखूंगी इसमें से दे दो दादी मेरे पास तो मेरे बच्चे को ना ला लेते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल बच्चे को तो दो टाइम ना लाना पड़ता है और मेरे को तो एक एक टाइम भी नहीं टाइम मिलता बच्चे को नहलाने का तो भाई हमने अपने बच्चे को नहला लिया है और दादी बोली थी अब जल्दी से थोड़ा सा खाना बना ले वैसे मन तो है नहीं खाने बनाने का पर थोड़ा सा बना ले जब से मेरे पति गए ना सच्ची में कुछ भी खाने का मन नहीं करता इस लगता बस एक जगह बैठे रहो ना किसी के साथ बात करो ना कुछ और जब मेरे पति आते ना ऐसे ही बोलते थे प्रिया तेरे को तो और कुछ नहीं आता खाने खाने के सिवा तो बस सारे दिन खाना ही खाना खाने की बात ही होती है तेरे तो और अब बिल्कुल भी ना किसी के साथ बात करने का मन करता है और मैंने आज कमेंट पढ़े थे मतलब इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो आप लोग कोई मेरी बहन है कोई मेरे भाई जो मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हो इतने अच्छे अच्छे मतलब कमेंट करें कि आप हौसला रखो आपके पति जल्दी से जल्दी आ जाएंगे तो मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है मैं आप लोगों के साथ अपनी बात शेयर कर रही हूँ तो आप लोग भी मुझे मेरा साथ दे रहे हो बस मुझे आप लोगों का ही साथ चाहिए है और माता रानी से बस ये दुआ करना कि मेरे पति जल्दी से जल्दी घर आ जाए और कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे भाई कहीं आप हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे हमारा कि आपके पति घर में ही हो और आप ऐसे ही बस झूठ बोल रहे हो पर यार मजाक भी एक दिन का होता है इतने दिन हो गए आपको मतलब अभी तक विश्वास नहीं हो और मैं कोई पागल इंसान थोड़ी हूँ भाई कि झूठ बोल लूँगी कि मेरे पति चले गए व्यूज के लिए कर रहे होंगे फेसबुक पर भी कमेंट आ रहे थे कि आप व्यूज के लिए ऐसा कुछ कर रहे हो और ये तो आपके पति तो आपके साथ है कुछ पुरानी वीडियो थी जो मैंने डाली है तो पुरानी वीडियो है अभी तक तो हमने ढंग से कोई वीडियो भी नहीं ब्लॉग भी नहीं बनाया जो भी मैंने वीडियो डाली है ब्लॉग्स उनके साथ हंसी खेलने वाले वो बस पहले के है भी का तो कुछ भी नहीं है हंसी अब भी हमारे तो हंसी तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया लोग खुद समझ सकते हो यार कितना बड़ा मतलब क्या कुछ हो गया हमारे साथ और हंसना खेलना तो ऐसे लगे जैसे कई साल हो गए हो तो बस आज का ब्लॉग आप लोगों ने कैसा लगा कमेंट करके बता देना और बस आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए।